हाय गाइस नो दिव्यांश और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नैगबेंड के बारे में ये जो है गाइस विंग्स कंपनी तरफ से आता है और एलिवेट का ये मॉडल है और अभी जस्ट लॉन्च मॉडल है इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया इसको अमेजोन और पे। अब इस डिवाइस के बारे में फर्दर डिटेल में बात करते हैं किस तरह का डिवाइस है किस प्राइसिंग भी आपको देखने को मिलता है और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग का जो प्यार है इसी तरह से आगे भी बना रहे और मेरे आने वाले वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे फिलहाल हम लोग इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग को शुरू

तो गाइस ये हमारा बॉक्स और बॉक्स हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं तो आपका टॉप पे जो है विंग्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है नीचे जो है एलिवेट करके मॉडल है ये नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन जो ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं साइड में अगर देखें तो हमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा पीछे की तरफ बॉक्स पर आपको यहाँ पर टेलन देखने को मिलती है टाइम टू फ्लॉन्ट और जो प्राइसिंग है वो फोर थाउजेंड रुपीज की ऑरिजिनल कम है गई और ये वाला मॉडल ग्रे कलर में है और दो कलर इसमें अवेलेबल किए गए हैं बॉक्स साइड में आपको हाईलाइट्स मिल जाते हैं जैसे कि टेन आवर्स का प्ले टाइम है ब्लूटूथ फाइव पॉइंट जोरो के साथ आते हैं फास्ट चार्जिंग बैटरी है स्मूथ सिलिकॉन फिनिश है मेटलिक एयरबड्स आपको देखने को मिलते हैं अब बाकी हम लोग बात करेंगे फर्दर कंटेंट चेक करते हैं हम लोग यहाँ तो सबसे पहले आपको जो है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं डिफरेंट ईयर साइज के हिसाब से लार्ज मीडियम स्मॉल जो भी आपके ईयर में इजीली फिट हो जाते हैं आप यहाँ पे चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं इसके अलावा आपको पे एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी विध चार्जिंग केबल जो है नॉर्मल माइक्रो भी केबल है और ये काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है लेंथ भी अच्छी है इसकी ऐसे उसको प्रॉब्लम नहीं आती है इसके अलावा पेपर वर्क में आपको यहाँ पे एक मैनुअल देखने को मिलती है जो आपको सारी डिटेल और इंफॉर्मेशन देती है कि क्या स्पेसिफिकेशन है क्या फीचर्स वगैरह हैं और किस तरीके से कंट्रोल वगैरह करना है और अगर आपको रिसेट करना हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मैनुअल को रिफर कर सकते हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे वन ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी कार्ड देखने को मिलता है यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह दिया हुआ ई मेल एड्रेस वगैरह दिया है इनकी वेबसाइट पे भी आप जाके जो है रजिस्टर करके अगर कुछ भी इशू आता है तो आप क्लेम कर सकते हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे जो फ्री गाना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है उसके लिए आपको यहाँ पे थ्री सिंपल स्टेप्स फॉलो करना होंगे और आप जो है गाना सब्सक्रिप्शन क्लेम कर पाएंगे अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मेन डिवाइस के बारे में तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट हैड है यहाँ पे आपको विंग्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और अदर साइड वाले जो हैड हैं उस पर आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पे तीन बटन आपको देखने को मिलेंगे एक जो बटन है प्लस माइनस के लिए दिया हुआ यहाँ पे सेपरेट और बीच वाला जो बटन है मल्टी मल्टीफंक्शन बटन है और पावर ऑन ऑफ बटन भी है तो जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाता है जिससे आपको कनेक्टिविटी का अंदाजा लग पाएगा वहीं अगर साइड में टर्न ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पे जो चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है जहां से आप नेक्बेंड को चार्जिंग के लिए लगा पाएंगे अगर वहीं बात करूं मैं इस डिवाइस की वायर क्वालिटी की तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती इवन तो है इवन जो इसके एयर टिप्स हैं वो भी काफ़ी सही हैं क्योंकि यहाँ पे मेटल के एयर टिप्स इन्होंने यूज़ हैं और हुक डिज़ाइन में है तो आपको वो अच्छी फिटिंग देखने को मिलती है इवन जो है हुक पे लेफ्ट राइट लिखा तो आपको इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगी कौन से एयर टिप्स कौन से ईयर में लगाना है बाकी डिज़ाइन तो इन ईयर टाइप है और बाकी चीज़ हम लोग बात करेंगे वर्डिक में बट उससे पहले इस डिवाइस के जो है बटन फंक्शन देख लेते हैं चलिए ऐसे तो वर्डिक्स से पहले हम लोग इस डिवाइस के बटन फंक्शंस देख लेते हैं आपको तीन बटन देखने को मिलते हैं प्लस माइनस के और एक जो बटन है मल्टी फंशन बटन है मल्टी फंक्शन बटन को आप जगह जब सिंगल प्रेस करते हैं आपको जो म्यूजिक है वो पॉज हो जाता है वहीं अगर आपको म्यूजिक को प्ले करना है सिंगल प्रेस कीजिएगा तो आपका जो म्यूजिक है वो प्ले भी हो जाता है ट्रैक्स वगैरह चेंज कर रहा हो तो यहाँ पर जो प्लस वाला बटन है उसको आप जो है प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ट्रैक जो है फॉरवर्ड हो जाता है बैकवर्ड करने के लिए आप माइनस वाले को दबा के रखिए तो आपका जो ट्रैक है वो बैकवर्ड हो जाता है वॉल्यूम वगैरह अप एंड डाउन करना है आपको तो यहाँ पे प्लस वाले को आप दबाते जाओ ताकि जो वॉल्यूम है अप होते जाएगी माइनस करना है तो माइनस वाले को आप दबाते जाओगे तो वॉल्यूम जो है रिड्यूस भी होती जाएगी इसके अलावा आपको पे जो है वॉइस सपोर्ट देखने को मिल जाता है उसके लिए आपको मल्टी फंक्शन बटन को जो है प्रेस करके होल्ड करना होगा तो जो भी आपका जो असिस्टेंट है पे वेक हो जाता है पे गूगल है गूगल वेक हो चुका है आप उस पर कमांड वगैरह दे सकते हैं इसके अलावा डिवाइस में आपको जो है लास्ट रिडायल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पे आप जो है सेंटर वाले बटन को दबाएंगे दो बार तो आपको जो भी लास्ट कॉल है उसको आप रिडायल ऑटोमेटिकली लग जाता है और बात अगर करना तो आप उससे कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे तो सिंगल वाले बटन को दबाएंगे उसी बटन को तो आपका जो कॉल है हो जाता है तो कुछ इस तरह के आपको जो बटन फंक्शन इस डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं बाकी चीजें हम लोग डिवाइस के वर्डिक में जान लेते हैं चलिए गाइस तो फलो वर्डी की बात कर लेते हैं हम लोग इस नेकबैंड के बारे में तो मैं आपको तीन पॉइंट्स में चीजें क्लियर कर देता हूं पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बिल्ट और डिजाइन के बारे में बिल्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट के जो हेड्स हैं जहाँ पे आपको बटन्स और आपको जो विंग्स का लोगो देखने को मिलता है वो जो है मैं प्लास्टिक हेड आपको देखने को मिलते हैं अगर आप ऊपर की तरफ जो बॉडी है वो आपको यहाँ पे पूरी सिलिकॉन देखने को मिलता है जो कि मेरा से काफी प्लस पॉइंट है इसी तरह के नेकबैंड में जो क्या होता है कि प्लास्टिक की बॉडी वाले नेकबैंड भी आते हैं बट उनमें क्या है टी डाउन होने के चांसेस रहते हैं बड़े जो सिलिकॉन वाले होते हैं काफी ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि आप इनको इजिली मोल्ड कर सकते हो आप देख सकते हैं कि आप इसको मोल्ड कर सकते हैं और कोई भी आपको डेमेज देखने को नहीं मिलता है तो ये चीज काफी प्लस पॉइंट है इस डिवाइस में इसके अलावा अगर आप जो इसके देखते हैं वो भी आपको यहां पर जो है मेटल के देखने को मिलते हैं और डिजाइन काफी अच्छा है और हुक आपको देखने को मिलता है जो कि मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है अगर आप जिम जिमिंग या जॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो हुक जो है आपको कहीं कहीं एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मैग्नेट्स भी आपको देखने को मिलता है एक ये चीज़ भी अच्छी है कि आप हुक्स निकाल सकते हैं अगर आपको डिस्कम्फर्टेबल लगता है इसको यूज़ करने में तो आप इसको निकाल सकते हैं और जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए हैं वो आप अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तो बिल्टो डिजाइन के मामले में मैं कह सकता हूँ कि डिवाइस काफ़ी अच्छा है वहीं अगर बात करें इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस की तो साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस में डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी मुझे स्पेशली इसका जो बेस है वो काफ़ी सही है और ट्रेवल्स भी काफ़ी क्लियर है ऐसे वहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मिट्स की बात करें लो की बात करो काफी क्लियर है एज सच कोई भी वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता अगर आप वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हैं तो लाउडनेस भी काफी ऑप्टिमाइज कर रखी है थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि डिटेलिंग उतनी शार्प मुझे लगी नहीं यहां पर नैकबैंड में अगर आप नॉर्मल कैजुअल सॉन्ग लिसनिंग वगैरह करते हैं तो ये नेकबैंड काफी सही है बट अगर आप जैसे मूवीज वगैरह देख रहे हैं इंटेंस गेमिंग वगैरह करते हैं तो वहां आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है वहां आपको साउंड क्वालिटी कहने का थोड़ी सी लैक लगेगा बट अगर आप एक कैजुअल लिसनर हैं तो इसके साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वहीं अगर कर बात करूँ इस डिवाइस के में कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस की तो कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट सी है मतलब नॉर्मल कॉलिंग वगैरह आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सामने वाले को आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी तरीके से पहुँच जाती है इवन आपको भी जो सामने वाले की आवाज़ काफ़ी प्रॉपरली सुनाया दे जाती है वैसे मैंने यहाँ पर आउटडोर में इसका कॉल टेस्ट किया है ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसके जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से वर्क करते हैं किस तरीके क्वालिटी के माइक्रोफोन आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं माइक्रोफोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉल वगैरह में तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है कॉल टेस्ट किया है उस पर आप एक नज़र डाल लें तो अब जब का आवाज सुनाई दे रही है वो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है ताकि कोई अंदाजा लग सके किस तरह से आवाज इसके सामने को जाती है जब आप उससे फोन वगैरह में बात कर रहे हो या गेम वगैरह के अंदर बातचीत चल रही हो तो इसके जो माइक्स है कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं अगर वहीं बात करूँ इस डिवाइस में गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेम परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट सही है मतलब आप गेम खेल सकते हो लेटेंसी लाइक ऐसा आपको यहाँ पे नोटिस नहीं होगा बट ये चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे जैसे तो पब्जी जैसा गेम या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम खेलते हैं जहाँ पे सराउंडिंग्स का कहने कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एनिमीज़ कौन से साइड से आ रहे हैं लेफ्ट से आ रहे हैं कि राइट आ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लेक देखने को मिलेगा मतलब लैक मतलब यानी कि जो क्लैरिटी है डिटेलिंग्स हैं उतनी शार्प नहीं है बाकी अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेटेंसी लैग टेस्ट भी मैंने यहाँ पर किया है तो आप उसके बाद चेकआउट कर लें अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की यानी कि प्राइसिंग की तो ये डिवाइस जो है फोर्टी हंड्रेड रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है बट अभी जो है इनका इनिशियल प्राइस आपको जो है बारह सौ रुपये देखने को मिलेगी यानी कि दो सौ रुपये का आपको ऑफ मिल रहा है क्योंकि जस्ट लॉन्च प्रोडक्ट है तो अगर बारह सौ रुपये के प्राइस पॉइंट पर आप इस नेकम को देखते हैं यानी कि इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंट जीरो देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है दस मीटर की रेंज भी आपको देखने को मिल जाती है और रेंज में ऐसा कोई इशू आया नहीं मुझे मैंने इसको यूज करके देखा अभी इतने दिन से मैं यूज कर ही रहा हूँ इसको वहीं अगर बात करें इस डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस यहां तो यहाँ आपको एक सौ दस एम की बैटरी देखने को मिलती है जो अराउंड 8 टू 10 आवर्स का प्लेबैक परफॉर्मेंस दे देती है कंपनी के हिसाब से बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से पे 8 टू 8 एंड हाफ आवर्स तक आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है वो है साउंड क्वालिटी आउटपुट पानी या कितनी वॉल्यूम पर इसको यूज कर रहे हैं कि एट्टी परसेंट यूज कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट पर यूज कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं बैटरी लाइफ पर इंपैक्ट आता है अगर आप फिफ्टी परसेंट आप यूज करते हैं इस डिवाइस को कंटिन्यूसली तो हाँ आप टेन आवर्स तक भी इस डिवाइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो चीज़ है उस चीज आप ध्यान रखिएगा तो बट क्योंकि मेरे जहाँ तक जानता हूँ कि एवरेज यूजर्स है सेवन

ओवरऑल में अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ तो डिवाइस काफी अच्छा है साउंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छा अगर आप बेस लवर हैं तो आप लोगों के लिए काफी हद तक ये बेहतर डिवाइस हो सकता है अगर आप बेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अगर म्यूजिक लिसनिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो ये डिवाइस आप लोगों के लिए काफी वर्थफुल हो सकता है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ज्यादातर बस आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि अगर वो इस प्राइस पॉइंट पर कोई नेकबैंड वगैरह सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है इवन कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट जरूर बताया कि आपको ये नेकबैंड कैसे लगा और इन इवन आने वाले टाइम में आप किस तरह के और डिवाइसेस के बारे में हमसे डिटेल में जानना चाहते हैं और कुछ भी क्वेरीज वगैरह तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इवन मुझे इंस्टाग्राम हैंडल में फॉलो करके सपोर्ट भी कर सकते हैं बस फिलहाल के लिए हम लोग साइन आउट करते हैं जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए